मंगेश यादव के एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कार्रवाई बिल्कुल कानून के तहत हुई है। पुलिस पर जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। पुलिस अपना काम करती है और आगे भी इसी तरीके से करती रहेगी। सुनिए। इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है, एफआईआर रेलवे ने दर्ज कराई थी और डिफरेंट एजेंसीज जो हमारी हैं, जिसमें एटीएस है, जो हमारी स्टेट इंटेलिजेंस की एजेंसी है और लोकल पुलिस है, इसको जो है वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया, उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पर लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए, इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। भाई आपको आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूफ करेंगे। बारिश की मार से गाजियाबाद में भी काफी हाल बेहाल हो चुका।